कंप्यूटर अनुदेशकों का प्रदर्शन। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कंप्यूटर अनुदेशक ने डेपुटेशन रोकने और कार्य व्यवस्था में लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा उदयपुर संभाग पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय में पद नियुक्त कंप्यूटर अनुदेशक जिन्हें विभिन्न कार्यालयों में कार्य व्यवस्था पर लगाया गया है, उन्हें किसी भी स्थिति में कार्य मुक्त नहीं करें और जो पूर्व में लगे हुए हैं उन्हें भी तत्काल विद्यालय में उपस्थिति देने के लिए पाबंद करें। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष, जिला कलेक्टर साहब के समक्ष एक निवेदन लेकर आए हैं। हम सभी जिले में कार्यरत कंप्यूटर निदेशक, हमें शिक्षा निदेशक महोदय और हमारे जेडी साहब उदयपुर से हमें आदेश हुआ है कि हमें किसी भी अन्य भाग में अगर किसी भी ड्यूटी पर लगाया जाता है तो उनके अनुमोदन के बिना हमें कार्यमुक्त ना किया जाए। और अभी फिलहाल कल 1 अगस्त को श्रीमान उपकरण अधिकारी जी द्वारा काफ़ी कंप्यूटर अनुदेशकों को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कैंप में लगाया गया है, जिसके तहत हम बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में हैं कि हम वहाँ जाएँ या ना जाए, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं तो अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना होती है, और अगर नहीं जाते हैं तो हमारे महोदय जिला कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना होती है। तो इसी संबंध में आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास प्रस्तुत हुए हैं और उनसे निवेदन है कि वे हमें इसमें मार्गदर्शन दें कि हमें आवश्यक रूप से करना क्या है, जिससे कि भविष्य में जितने भी कंप्यूटर अनुदेशक हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना हो और किसी भी तरह का कोई कार्य। और एक निवेदन के साथ भी आए हैं, क्योंकि हम सभी कंप्यूटर अनुदेशक विद्यालयों में ICT लैब और शिक्षण कार्य के लिए लगाए गए हैं। डेपुटेशन रोकने और कार्य व्यवस्था में लगाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कंप्यूटर अनुदेशकों के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व अंगदान दिवस आज। विश्व अंगदान दिवस को लेकर प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने और लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 17 अगस्त तक लोगों को विभिन्न कार्यक्रम के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए जागरूक किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि विश्व अंगदान दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने अंगदान दिवस जीवन दान नामक एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया है। आगामी 15 दिनों तक सेमिनार, मीटिंग, जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जन को जागरूक किया जाएगा। मरीजों की जान बचाने के लिए यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंग को काम में लिया है और उसका जीवन बच जाए तो एक अच्छी चीज़ है। इसके दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994 बनाया गया था, उसके पश्चात से नेत्रदान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। अन्य अंगों का हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट सुविधा नहीं थी, धीरे धीरे साइंस की जो है रिसर्च बढ़ी, उसके बाद अन्य अंगों का ट्रांसप्लांटेशन बढ़ा है और उसके बाद से अन्य अंगों का ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ मरीजों की संख्या के अनुपात में देखें तो उस संख्या के अनुपात में डोनेशन नहीं हो रहा, तो उन मरीजों को अंगदान से इलाज जो लाभ मिलेगा उसकी बजाय इलाज नॉर्मल इलाज लेना पड़ा अस्पताल में, उससे लोड भी रहता है, मरीज के ऊपर खर्चा भी आता है। सरकार द्वारा अभी इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, ताकि जनता जागरूक हो और आगे आके हम अंग दान कर सकें, ताकि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, बिगड़े जो लोग हैं, उनको अंग दान मिलके उनका इलाज पूरा हो सके और वो अच्छे से अपना जीवन जी सकें। डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर कानून बनाया जा चुका है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है। ऐसे में सरकार ने इसे एक अभियान के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसे अगले 15 दिनों तक जिले भर में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर आम जन को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही अंगदान को लेकर लोगों की भ्रांतियाँ दूर की जाएगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। सामूहिक जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग। राजसमंद जिले के भीम तहसील के पीपली नगर पंचायत के ग्रामीणों ने गांव की सामूहिक जमीन और रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा, साथ ही
कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को इस मामले की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पिपली नगर के निवासी बाबूलाल ने बताया कि रावली से हवाला रोड पर काश्तकारों की सामूहिक भूमि कलालों की काकर स्थित है। गांव के किसान कई सालों से इस जमीन का उपयोग अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन के लिए कर रहे हैं, मगर यहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है। कई बार शिकायत के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसी वजह से परेशान होकर ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। पिपरी नगर से आने के बाद हमारे समस्या आया कि हमारी जमीन का कब्जा कर दिया है। पहले वो वार्ड पंच था, इसलिए वो उसने कब्जा कर रखा है। हम आते जाते तो रास्ते में वो धमकाता है, हमारी गाड़ी घोड़ा बकरी कुछ बांधने नहीं देता है। हमारी 150 साल से ज़मीन वो खलिहान पड़ी हुई है, उसमें ये सब इसने कब्जा करके अभी आने जाने भी नहीं देता है बिल्कुल हमको, और आने जाने पर भी धमकाता है। इसलिए हमको वो अतिक्रम आप सुनाई करें साहब। 2-3 बार भीम गए, 1 बार देवगढ़ थाना में गए, कोई आया नहीं, कोई कुछ करा नहीं। पटवारी के पास गए, पटवारी के पास कम से कम 8-10 बार गए, लेकिन पटवारी कोई आया नहीं मौके पे। अभी साहब ये है कि हमारा वो पत्थर हटवाया जाए, रास्ता खोला जाए और हमारी जगह है उसको सब खुली की जाए, वो पत्थर वत्थर लाकड़ा वाकड़ा सब हटाया जाए वहाँ से। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी और देवगढ़ थाने में भी की, मगर अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए उपखंड अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।